नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंबई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कोई भी किसी तरीके का इंटरफेरेंस, कोई भी चीजों को चेंज किया जाता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिस तरीके का पोस्टपोन की है उस तरीके से आगे उतरेगी रोड पे, ये मेरा वादा शहर से। मैं प्रकाश सजनानी टोरेंट पावर के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के होते से काम करता हूँ। आज हमारे डीसीपी ऑफिस के अंदर डीसीपी साहब, एसीपी साहब और कर्ट साहब के प्रेजेंस में और मुमरा कलवासी के जन प्रतिनिधि समीम खान जी, भाई साहब जी, शानु पठान जी और नगर सेवक के साथ में एक मीटिंग हुआ। इससे पहले हमारा एक लगभग 20 दिन पहले एक मीटिंग हुआ था जहां पे मंत्री साहब ने मीटिंग किया था एमएनसीडीसीएल के रिप्रेजेंटेटिव के साथ में और कुछ इश्यूज रेज किए थे जिसके बारे में चर्चा हुआ था और एक सजेशन था कि एक अभय योजना जो है वो हमें लाना है और जिसके तहत जो पीडी कंज्यूमर है उनको एक राहत मिले और जितना भी जो एक उनके जो बकाया है उसको भरने के लिए एक ब्याज का माफ़ी हो और एक उनको इंस्टॉलमेंट दिया जाए। उस हिसाब से एक अभय योजना का आज जो एक सर्कुलर निकला है जिसके हिसाब से आपका प्रिंसिपल अमाउंट अगर 100% है तो आपको 110% देना है। माफ कीजिएगा सजनानी साहब जी, हम आपका भाषण सुनने नहीं आए यहाँ पर। एक बात सुनिए, यहाँ लोगों की शिकायत जो है वो बढ़ते हुए बिलों के बारे में, जो यूनिट में डिफरेंसेस आ रहे हैं बहुत सारे, जो उसमें उनकी शिकायतें हैं कि पहले जो एवरेज हमको इतना माहवार बिल आता था अब ये दुगुना, चौगुना, पांच गुना आता है। इस शिकायत के ऊपर बोलिए आपने कौन सी योजना लाए, उस योजना से क्या लाभान्वित होंगे लोग, वो बात की बात है। लोगों की अभी की जो शिकायतें हैं, जो मुद्दे हैं जिसके लिए ये तमाम यहाँ शहर के जनप्रतिनिधि खड़े हैं, ये आंदोलन करने जा रहे थे, तो आपने क्या बोल करके इनको मनाया है और लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए आप फ्रेंचाइजी के तौर पर और एमएसईडीसीएल सरकारी ऊर्जा विभाग के तौर पर मिल करके क्या ठोस कदम उठा रहे वो बताइए। नहीं, आपके बात बिल्कुल सही है, ये भी जो आपका जो इशू जो रेज किया था ये भी नगर सेवकों ने और प्रतिनिधियों ने इसको रेज किया था कि भाई जो बिल है, जो बढ़ के बिल आ रहे हैं तो हमने उनके साथ बैठ के ये तय किया है कि हम लोग हर जगह पे, मतलब कलवा, मुमरा, शील में अलग अलग जगह पे हम लोग एक कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, हर लोकेशन पर जाके कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे और जितने भी ये जो बिल की शिकायत हैं उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे और इस तरह से जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी जो इश्यूज पब्लिक के रेज किए उसको हम एड्रेस करेंगे। ये भी एक मुद्दा था सर, क्या करेंगे सर, अभी तक मैं आपको बताऊँ, हजारों का बिल लाखों में आया सर, उसका क्या करेंगे सर। अभी तक जो भी कैंप हुआ वो एक दो ही कैंप हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं यही इशू एक कलवा के अंदर हमने काफी कैंप ऑर्गेनाइज किया, एक एक बंदे को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से बिल का वर्किंग किया है, एक बिल के साथ हमने पूरा कैलकुलेशन आप उनको समझाया है और ये काफी इशू, काफी हद तक इशू आज कलवा के अंदर सॉल्व हो गया है और हमको पूरा विश्वास है कि ये बाकी भी जो मुमरा, शील, डाइगर के अंदर ये सारा इशूज को हम उनको शॉर्ट आउट करेंगे और यही जनप्रतिनिधि ने एक इशू रेज किया था। तो जो एक पीडी के बारे में बात किया प्लस इसके बारे में बात किया और तीसरा एक मुद्दा था कि भाई हम लोग जो मीटर है वो हम टोरेंट का मीटर लगाए, हम खुद का मीटर भी ला सकते हैं, उसका भी एक सर्कुलर एमएससीडीसीएल ने निकाला है कि उन्होंने आइडेंटिफाई किए भाई ये 6 कंपनी के मीटर हैं जो उनके मानक के हिसाब से आप 6 कंपनी के मीटर में से कोई भी मीटर आप लगा सकते हैं, वो भी एक मुद्दा किया। सर आप बना रहे कलवा में आप कई कैंप लगा चुके थे, मुमरा में अभी तक आपने कैंप क्यों नहीं लगाया? नहीं वो अभी लगा सर, एक कैंप लगा हुआ था शानू भाई के ऑफिस के बाहर, वहीं पर अमृत नगर में लगाया था, वहां पर टोकन दिया जाता था और लोगों को टोकन देके बुलाया जाता था और टाइम जितना 5 बजे का टाइम देके 4 बजे के पहले ही वो ऑफिस बंद कर देते थे, तो वो ऐसे लोगों के लिए क्या है, सिर्फ टोकन देके भेज देने का। उसी में सजनानी साहब उसी में एक एडिशन है कि आपके ऑफिस पर भी टोकन लेकर के क्यू लगा करके जो लोग अपनी कंप्लेंट्स देते हैं तो वो दो दो महीना, तीन तीन महीना कंप्लेंट अटेंड ही नहीं होती है। ये मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको जानकारी भी दे रहा हूँ और ये मेरा सवाल भी है, ऐसा क्यों? ठीक है, आपने अगर ये हमारे ध्यान पे लिया, डेफिनेटली हम इस तरह से जितनी भी जो कंप्लेन है उसको ध्यान देंगे। आज भी मीटर में चर्चा हुआ कि भाई आप जितने भी जो ऐसी कंप्लेन है उसका, इसीलिए हम जो है कंज्यूमर के वहाँ पे जाना चाहते हैं, हम सभी को ऐसा नहीं है कि ऑफिस में बुलाना चाहते, हम लोग आपके डोर स्टोर पे आना चाहते हैं कि भाई वहाँ पे आके
और आपके इशू को हम सॉल्व करेंगे सर। इसके बावजूद भी मेरी बात सुनिए, इसके बावजूद भी ये नगर सेवकों ने और प्रतिनिधि ने और भी कुछ सुझाव सजेशन दिए हैं जिसको भी हम आगे मंत्री महोदय के पास ले जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के पास ले जाएंगे और जिस तरह से इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हमें आशा है कि आए दिन के अंदर ये इश्यूज को भी रिजॉल्व होगा, जिस तरह से आज ये एक हम लोगों को जो पीढ़ी के लिए बारे में एक जो हम लोगों ने गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला है जिसका कॉपी हम इनको भी देते हैं। सर थोड़ा सा शो कीजिए ना उसको हाथ में पकड़ के ऊपर। ये है पर्टिकुलरली पीढ़ी के अंदर जहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट दिए जाएंगे उसके बारे में ये सर्कुलर है। दूसरा ये सर्कुलर है कि जिसके अंदर आप अपने जो मीटर लगाना चाहेंगे तो इसमें 6 मीटर के कंपनी के बारे में लिखा गया, वो 6 मीटर में कोई भी मीटर अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप खरीद के हमारे वहाँ पे टेस्ट करा के बाद में इसको लगा सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें जो है वो उसका रिजॉल्व किया है और मैं यही 2 सर्कुलर शानू पठान साहब को और भाई साहब को ये उनको देता हूँ मैं और शानू पठान साहब श्रमिक पार्टी ये सर। अरे लो मत ये दे दो इनको, लो आप लोग लो 40% का कैसा है वो बताइए आप। इस सर्कुलर के हिसाब से जो आपके लिए ये केवल एक ये जो स्कीम है वो केवल कलवा मुमरा शील और ढाईगर के लिए है, जिसके तहत अगर आपका पीडी का जितना भी अमाउंट बाकी है मान लो 100 रुपया है तो आपको केवल 110 रुपया देना है और अगर आपके इसके इंस्टॉलमेंट कराना चाहते हैं तो आप 30% दे के बाकी का 12 इंस्टॉलमेंट तक करा सकते हैं और ये स्कीम जो है जून 2021 तक अवेलेबल है और आप इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2022 तक कर सकते हैं और जिसको इंस्टॉलमेंट होगा उसको उसके लिए अलग से ब्याज देना पड़ेगा, वरना अगर एक साथ दो को भरेगा तो उसको 110% प्रिंसिपल अमाउंट का भरेंगे तो वो उनका पूरा निकल जाएगा और अगर इंस्टॉलमेंट देंगे तो भी एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद उनके घर पर हम मीटर भी लगा देंगे, ये भी तय हुआ है। शमीम भाई तो क्या आंदोलन को लेकर के अब क्या भूमिका है, किस तरीके का क्या निर्णय है? हम इनको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको स्थगित कराएं। अच्छा ये आपकी रिक्वेस्ट है इनसे जी, कि जिस तरह से ये जो चीजें आगे हम आगे बढ़े हैं और एक सरकार और मंत्री के हेल्प से एक कदम आगे बढ़ा है तो इस हिसाब से हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे इसको स्थगित किया जाए। शमीम भाई क्या कहना है इनकी रिक्वेस्ट पर, किस तरीके का निर्णय है आपका? भाई साहब क्या मीटिंग में क्या फैसला लिया गया, जो आंदोलन होने वाला था क्या होगा आंदोलन? मीटिंग के सारे फैसले आप लोग के सामने आए, अधिकारी जो आए थे उन्होंने आपके सामने स्टेटमेंट दिया, डीसीपी साहब ने स्टेटमेंट दिया आपको। एक रिक्वेस्ट ये की गई, गवर्नमेंट थोड़ा पीछे आई है, कई चीज़ों का फायदा मिला है और ये आंदोलन खत्म नहीं है, ये पोस्टपोन किया गया पुलिस के रिक्वेस्ट के ऊपर कि जो लॉ एंड ऑर्डर्स का मामला चल रहा है इस वजह से इसको पोस्टपोन किया गया है, ये आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हमारी और कुछ मांगे हैं, जैसे 2 मांगे हमारी पूरी हुई है, अभी शमीम भाई बताएंगे शानू भाई ना, उस तरीके से अब इसको थोड़ा पोस्टपोन किया गया है। शानू भाई क्या जानकारी देंगे, शमीम भाई क्या जानकारी देंगे आप? आज मुमरा पुलिस स्टेशन में हमें एक कॉल आया यहाँ से, हमारे भाई साहब को, मुझे शानू भाई को और हमारे तमाम नगर सेवकों को कहा गया कि डीसीपी साहब और हमारे यहाँ के इंचार्ज और एसीपी साहब के साथ एक मीटिंग तय की गई है। तो हम लोग यहाँ पे मीटिंग में आए और यहाँ आने के बाद हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पे टोरेंट के वो आला ऑफिसरान भी यहाँ पे आए हुए थे जी, जो सजनानी जी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद थी, कुछ MACDCL और टोरेंट के मिले जुले अधिकारी यहाँ पे थे। तो हमारे यहाँ पे चार पॉइंट में नंबर 1 ये था कि जो 6 महीने के अंदर लॉकडाउन की पोजीशन में जो दुकानें जो मकान मंदिर मस्जिद जो कुछ बंद रहे उसके जो बिल आए वो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है, हमारी आवाम को ये लग रहा है कि वो बिल गलत आ गई। गलत जी, जैसे कि जो मीटर की रीडिंग ली गई वो ऑन एवरेज ली गई। तो हमारी इनसे मांग ये थी और मांग है कि आप सबसे पहले
उसके इंटरेस्ट को कम करो, और अगर वो लॉकडाउन में बंद रहा है तो उसका बिल पे करने का कोई अधिकार आपको लेने का अधिकार भी नहीं है, ना हमारा कोई देने का अधिकार है। नंबर टू, पेडी की बात थी कि जब एमएसडीसीएल चली गई तो फिर आप पेडी कहाँ से लेकर के आ गए? लेकिन इनका जो एग्रीमेंट हुआ है कमदार साहब, उस एग्रीमेंट के अंदर जो इनका सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ये इसमें इन्होंने आज हमने ये देखा, जो इन्होंने अभी हमको ऑर्डर दिया है, जो ऑर्डर है कि 110 का मतलब ये हुआ कि अगर मेरा बिल अगर 1,00,000 रुपये है और अगर मैंने 1,10,000 पे कर दिया तो मेरा जो है जो इनको यानी 1,50,000 लेना था इनके बिल के हिसाब से वो कहीं ना कहीं 40,000 रुपये कम करके हमको 110 यानी 1,10,000 रुपये पे करके अपना कनेक्शन को बचा लेना है। और उसके अंदर भी इन्होंने फैसिलिटीज दिया है, जो इन्होंने 12 इंस्टॉलमेंट कहा है, अगर हम 30% पे कर देते हैं तो बाकी के पेमेंट जो है हम 12 महीने पे कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने एक ऑर्डर लेकर के आए हैं। और दूसरी बात, और ये सिर्फ कलवा के लिए, टाइगर के लिए। दूसरी बात ये है कि हमारी इनसे एक मांग और थी कि ये मीटर ला के लगा रहे हैं, मीटर का कहीं ना कहीं हम लोगों को ये डाउट है कि ये मीटर फास्ट चल रहे हैं। तो मंत्री महोदय के पास एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें एमडी साहब खुद मौजूद थे, भाई साहब थे, शानू भाई थे, हमारे अध्यक्ष आनंद प्राजपे साहब थे, हमारा एक डेलीगेशन था, वहाँ पे ये तय हुआ था कि बात हुई थी कि मीटर जो है वो जो ये 5-6 कंपनी के मीटर लाएंगे और कंज्यूमर जो चॉइस करेगा कि हमको ये मीटर लगाना है उस मीटर को वहाँ लगाया जाएगा। आज इन्होंने उसका भी ऑर्डर हमको दे दिया है, फाइनलाइज किया है। नंबर तीन, जो बिल की बात है, बिल के ताल्लुक से हमारा आज इन्होंने ये वादा किया है, मीडिया के माध्यम से भी कहा है, डीसीपी साहब ने हमें जो बुलाया तो डीसीपी साहब ने हमारे डेलीगेशन से ये बात की कि आप लोग देखिए कोरोना काल का मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं इसके अंदर आप इतना बड़ा जन आंदोलन नहीं कर सकते हैं, उन चीज़ों को देखते हुए श्री अशरफ भाई साहब ने इसका फैसला लिया, माननीय मंत्री जितेंद्र भाई साहब बात करके हमारे नेताजी से कि हम लोग जिस तरीके का इन्होंने अभी आपके माध्यम से कहा कि हम बिल का भी सुधार करेंगे, मुमरा शहर में जितने भी हॉल हैं उस हॉल के अंदर हम कैंप लगाएंगे, जैसे इन्होंने कहा कि कलवा के अंदर हमने सुधार किया है ऐसे हम मुमरा में करेंगे, तो उस हिसाब से भी इन्होंने एक वादा किया है। तो हम इनके सब वादों को ज़रूर सुने, हमारे मंत्री जी से हमने बात किया है और इसके बाद हमारे मंत्री जी ने ये भी कहा है हमको कि हम बहुत जल्द ऊर्जा मंत्री जी के साथ एक मीटिंग लगाएंगे, मीटिंग लगा करके ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है, जो समस्याएं हमारे शहर में है, मैं ये नहीं कहता कि कोई आज इनके कहने से या टोरेंट के कोई डर से या कोई केस खाने के डर से हम लोग इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। एक चीज क्लियर कर देते हैं, सवाल उठेगा और उस सवाल का जवाब मैं अभी दे देता हूँ कि कोई हमारे ऊपर ये सोचे कि हम ये मुकदमे से, ये पुलिस से, ये फोर्स से और इनसे डर गए तो गलतफहमी के शिकार ना हो। शहर की लड़ाई है, उसको आखिरी दम तक लड़ेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से हम लोगों ने माननीय डीसीपी साहब के जो उन्होंने बात रखी कि कोरोना काल का माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, हमने सम्माननीय डीसीपी साहब का रिस्पेक्ट रखा, सजनानी साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका सम्मान रखा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जितने वादे मीडिया के माध्यम से इन्होंने किया है अगर उसमें सुधार नहीं आया तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है। ये लड़ाई कल भी थी, ये लड़ाई आज भी है, ये लड़ाई कल भी जारी रहेगी। हमारी लड़ाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक, पार्टी के जो कार्यकर्ता, माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र भाट साहब के नेतृत्व में ये लड़ाई जारी रहेगी। और इसके अलावा किया गया था टोरेंट को लेकर, उन सब की आपके साथ मीटिंग हुई तो क्या मीटिंग में क्या पाया गया? बेसिकली जो जन आंदोलन यहाँ के पूरे जो कॉरपोरेटर्स हैं, नगर सेवक हैं, उन्होंने ऐलान किया था, काफ़ी जो नागरिक है उनके समस्या को लेके उसके तहत काफ़ी मीटिंग हुए हैं। हमने भी यहाँ पे पुलिस स्टेशन में सभी नगर सेवक, शील टाइगर, बुमरा, कौसा, सब एरिया के नगर सेवक और टोरेंट के आला अधिकारी सब लोगों की यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें टोरेंट के जो आला अधिकारी, उन्होंने उनके जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब थे उनके वहाँ से भी उन्होंने जाके मीटिंग करके उन्होंने 2-3 जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसकी जानकारी उन्होंने सभी नगर सेवक को दी। उसमें दो चीज़ें, एक जो अभय योजना है उसके बारे में उन्होंने, जो नया सर्कुलर आज जो नया ऑर्डर गवर्नमेंट का है उसके बारे में भी उन्होंने उनको जानकारी दी।
ताकि दूसरी चीज़ जो मीटर के बारे में, जो कौन से कंपनी के मीटर लगा सकते हैं, छः कंपनी के, उनके भी एक ऑर्डर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी है, वो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने माननीय नगर सेवक सभी लोगों को दिया है। और मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो शमीम भाई है, शानू पठान है, सैयद अली भाई साहब है, और तमाम बाकी जो पाटिल साहब है जो शील टाइगर के नगर सेवक है, और बाकी जो सर्व नगर सेवक है, उनसे सबसे रिक्वेस्ट यही है कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो प्रॉब्लम्स को लेके इन्होंने खड़े किए थे, उस प्रॉब्लम्स के मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स किए हैं, 2-3 ऑर्डर्स भी आज गवर्नमेंट से आए हैं। तो मैं यही सभी नगर सेवक से, इन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो नए ऑर्डर्स आए हैं, इसके तहत तो उन्होंने इंफॉर्मेशन जो दी है, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो कोविड की सिचुएशन है, अभी कोरोना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, इसके तहत उन्होंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके जो जन आंदोलन किया है, करने जा रहे हैं, उसको अगर स्थगित करेंगे तो कोरोना सिचुएशन में जो अपने नागरिक हैं उनको भी थोड़ा सा सिचुएशन के तहत अगर स्थगित करेंगे तो थोड़ा सा उसमें बेहतर होगा। और आगे भी इनके इन्होंने जो टोरेंट की कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कहा है कि उनके मीटिंग्स स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर है, कंसर्न मिनिस्टर साहब है, और जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं, उनके साथ में उनकी मीटिंग्स होने वाले हैं। तो आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें, डेवलपमेंट्स उनको वो बताए दिए जाएगी, जिसमें काफ़ी सारा जो राहत रहेगी जो यहाँ के जो नागरिक हैं उनको मिलेगी। तो मेरी वही, हमने कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखा था, तो वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी पार्टीज़ के कॉर्पोरेटर्स, जो ये जन आंदोलन उन्होंने ऐलान किया था, उसको उस कोरोना के तहत पोस्टपोन किया जाए या स्थगित किया जाए। सर, उन्होंने, आप लोगों ने प्रशासन की तरफ से विनती की थी, तो ये इन लोगों ने उसको मान लिया है और आंदोलन स्थगित करने के लिए हाँ कहा है क्या? वो आपको जो शमीम भाई है और शानू पठान है और बाकी के जो नगर सेवक है, वो आपको इस बारे में आपको एड्रेस करते हैं। सर, किसी को नोटिस भी दिया गया टोरंटो पर कमेंट करने के, या इस तरह? देखो, अभी छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे, ब्रॉडर इश्यूज पे हमने कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखी है। डिटेल्स में एज वी एज पुलिस ऑफिसर्स हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन जो ब्रॉडर इश्यूज है, जो नागरिक की समस्या है, उनको पहुंचाने का काम एक एज अ ब्रिज हम लोगों ने यहाँ पे करने की कोशिश की है। और उसको जो टोरेंट के ऑफिसर्स ने जो नए डेवलपमेंट्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आए, उन्होंने उसके बारे में उन्होंने बताया है, काफ़ी सारे जो नए डेवलपमेंट्स आए उसको भी नगर सेवक को बताया है। अभी दिस शुड स्प्रेड टू द पब्लिक, एंड मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हिसाब से, कोविड सिचुएशन के हिसाब से, हमने गुजारिश की है कि जो महा आंदोलन है स्थगित किया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और शेयर करना ना भूले, और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना।